हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे आप एक माइक्रोफोन में स्विच इंस्टॉल करोगे। सो फ्रेंड्स, इस माइक को मुझे यार चलाते चलाते कई 1 ईयर हो चुकी है, ठीक है। लेकिन गाइस, मैंने जब इसको खोला तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो चुकी थी। सो फ्रेंड्स, कौन सा फ्रॉड है मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर सारे पार्ट्स को अलग कर लिया है। ये गाइस माइक्रोफोन का पार्ट है, सबको ये पता है। सो गाइस, इसको मतलब गाइस, ये जो गाइस ये लोहा का है, ठीक है। तो गाइस, इसको आपको होल्ड करना है। मैं यहाँ पर स्पेस टिप स्विच का यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, मैं उस लोहे को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर ड्रिल मशीन का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप गाइस कटर जो होती है ना, एंगल ग्राइंडर, उससे भी आप कट कर सकते हो। सो गाइस, मेरे पास नहीं थी। सो गाइस, देख सकते हो मैं यहाँ पर माइक्रोफोन का एक वायर को मैंने कट कर लिया। सो गाइस, आपको भी ऐसे ही करना है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इस माइक का जो सारे जो पार्ट्स है उसको सबको इंस्टॉल करना है, ठीक है। और गाइस देखो, मैं यहाँ पर गाइस दो वायर को मैंने निकाल लेता हूँ, क्योंकि गाइस दो वायर मैंने यहाँ पर कट कर लिया था। मतलब एक वायर से हमको दो वायर मिल चुकी थी। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने यहाँ पर स्विच को भी कनेक्ट कर लिया, और सारे गाइस क्रूप व्रूप को भी मैंने अटका चुका हूँ बहुत ज़्यादा टाइट से। और गाइस, ऊपर का जो ढक्कन होती है, बस इसको लगाने से हमारा माइक्रोफोन पूरा कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर गाइस, मैं यहाँ पर फेविकॉल आटा का यूज़ करी हूँ, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा दिख रहा थी होल को। तो इस फेविकॉल आटा को यूज़ करने से क्या होगा, जब सूख जाएगा तो आप मतलब अच्छा लगेगा देखने में। तो इसलिए गाइस, मैं यहाँ पर फेविकॉल आटा का यूज़ किया हूँ। सो गाइस, देख सकते हो मेरा साथ यही फ्रॉड हुआ थी। गाइस, इस माइक्रोफोन के अंदर गाइस ये पत्थर निकाला है, ठीक है। मतलब गाइस, आपको एक ही नहीं हो रही है ना, तब मेरा गाइस वीडियो करना ही भूल चुकी थी। सो गाइस, देख सकते हो पूरा इसकी शेप में ही गाइस इसको बनाया है। सो गाइस, आपका पास भी गाइस बीटा 57 माइक्रोफोन है तो गाइस आप एक बार जरूर से चेक कर लेना। गाइस, मुझे तो यार बहुत ज़्यादा बुरा लगा।